कल कल बहती गंगा जी। लुक एट द व्यू। रेलवे रूट पे चेंज होने के कारण हमें देखने को मिली वंदे भारत ट्रेन, तो ये रही आप लोगों के सामने द मोस्ट पॉपुलर ट्रेन इन इंडिया, वंदे भारत ट्रेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेटिव यात्री। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम आए हैं हरिद्वार। तो आइए करवाते हैं आपको भोले बाबा की नगरी हरिद्वार के दर्शन। हर हर महादेव। तो रेलवे स्टेशन से लेते हैं ई रिक्शा और चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। ट्रैफिक आप लोग देख ही सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए गंगा द्वार हर की पौड़ी। सो ये रहा गंगा द्वार और इस तरफ आप देख सकते हो मेरे मंदिर और द सीरीज ऑफ मंदिर, और सामने यहाँ है गंगा जी। तो आइए चलते हैं और करते हैं माँ गंगा के दर्शन। हर हर महादेव। वहाँ पे बनी भगवान विष्णु की मूर्ति, उनसे निकलती चरणों की गंगा, और पाँव को साफ करते हुए चलते हैं परिषद की ओर। और ये देखिए भोलेनाथ जी बने हुए, और सामने गंगा वाटी। और ये आरती की तैयारी होती हुई शाम की। ये देखिए और ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, और इसी के साथ प्राचीन गंगा माँ का मंदिर। और ये वो एंट्री द्वार जहाँ से हमने अंदर को एंटर किया, चारों तरफ का परिसर। और यहाँ नीचे कल कल बहती माँ गंगा, और सामने प्राचीन राजा भागीरथी मंदिर। और ये जो रहा नीचे, ये है पे बने हुए ये मंदिर। प्राचीन मंदिर है ये बहुत। इसके सामने कल कल बहती गंगा जी, ब्रह्मकुंड घाट कहते हैं इसे। सुंदर ये नवग्रह मंदिर के साइड का व्यू, और यहाँ से देखो सामने ब्रह्मकुंड कुंड घंटाघर, और यहाँ बैठे हुए घाट पे पंडित जी। तो आइए चलते हैं और करते हैं आज के दिन के स्नान ब्रह्मकुंड में। और ये देखिए पंडित जी यही आरती स्थल है। संध्या की आरती भी है, जो मेन वाली आरती है वो यहीं से की जाती है गंगा माई की, जो आप लोग अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं। हर की पौड़ी के ठीक सामने देखिए सागर मंथन का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया हुआ, उसी के साथ भगवान शंकर का भी कैलाश का ये बहुत ही सुंदर चित्रण आप देख सकते हो राइट इन फ्रंट ऑफ
पत्थर की पौड़ी। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से तो ये देखिए यहाँ पे माँ गंगा की बनी हुई मूर्ति। और साथ में भगवान शंकर की विशाल मूर्ति। और ये घंटाघर लुक एट द व्यू और रौनक। लुक एट द ब्रॉड व्यू ऑफ गंगा। और वो सामने धनुष पुल। और ये रहा अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ से अस्थियाँ वगैरह जो है वो प्रवाहित की जाती है। और यहाँ पे बहाव देखिए आप कितना तेज। ये रहा वो घाट जहाँ से अस्थियाँ वगैरह प्रवाहित की जाती है। और इसके ठीक सामने भागीरथी सेतु। और शुरू होती हुई माँ गंगा की आरती। तो आइए बनते हैं भाग इस आरती का और एक वर्चुअली लेते हैं मज़ा इस माँ गंगा की पावन आरती का। बोलिए हर हर गंगे। और घाट के चारों तरफ आप गैदरिंग्स देख सकते हो, कितने ज़्यादा भक्त जो हैं वो गैदर हुए हैं इस भव्य आरती का नज़ारा लेने के लिए। ऊपर से गंगा माँ के भागीरथी घाट का नज़ारा देखिए। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही नज़र आएंगे, जो कि इस समय बिल्कुल भक्तिमय हुए पड़े हैं और माँ गंगा की इस आरती में अपना अपना भाग एवं अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य। This is the view whatever you getting on your TV screens.
संध्या आरती के समापन होते ही आप देख सकते हैं भक्तों की तादाद। यह है माँ गंगा और उन पे भक्तों का भरोसा। मैं इस यात्रा में अपने संपूर्ण परिवार के साथ आया हूँ और मैंने अपनी इस यात्रा को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है, जो कि आप इस सीरीज़ के आगे आने वाले एपिसोड में देखोगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद भी ज़रूर आएंगे। तो आज के इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे हरिद्वार सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव।